सर, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। सिविल इंजीनियरिंग में क्वांटिटी सर्विंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट का टेंडरिंग से लेके प्री टेंडरिंग से लेके पोस्ट टेंडरिंग, प्री टेंडरिंग इस्टीमेशन क्वांटिटी एनालिसिस, उसके साथ ही पोस्ट टेंडरिंग से बिलिंग, क्लाइंट बिलिंग, उसके साथ ही करस्पॉन्डेंस, ये सब डिटेल रोल क्वांटिटी सर्वर को निभाना पड़ता है। तो क्वांटिटी सर्वे इस्टीमेशन, तो इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या क्या इसको प्रोजेक्ट के दौरान करना पड़ता है, कैसे क्लाइंट्स के करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, इसके मेनली रोल्स क्या है, ये सब हम आज डिटेल वीडियो में देखेंगे। रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर्स एंड बिलिंग इंजीनियर्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। आज हम क्वांटिटी सर्वेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, बिलिंग इंजीनियर का क्या इंपॉर्टेंस है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ये देखने वाले हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं, अभी जितना मार्केट्स में हर चीज़ का प्राइस राइज हो रहा है, जैसे मटेरियल हो, लेबर रेट्स हो, उसके साथ ही प्रोजेक्ट के साइज भी, साइज के हिसाब से भी उसके रेट्स वेरी होते हैं, अमाउंट वेरी होता है, और उसके साथ भी प्रोजेक्ट का शेड्यूल भी टाइट होता है कि सर्टन टाइम में अपने को प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना है, और कम्प्लीट करते करते उसको जो भी मार्जिन है वो मेंटेन करना है ताकि लॉस ना हो, अपने को रिक्वायर्ड प्रॉफिट अचीव हो, इसके लिए हम लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ करने में क्वांटिटी सर्वेयर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वांटिटी सर्वे का एक प्रोफेशनल फंक्शन आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब मैनेज करने के लिए उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। अभी क्वांटिटी सर्वेयर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेन फंक्शन क्या है, जैसे कि क्वांटिटी टेक ऑफ करना, ड्राॅइंग के हिसाब से क्वांटिटी वर्कआउट करना, उसके साथ ही टेंडरिंग में असिस्ट करना, जब भी टेंडरिंग का वर्किंग हो तो उसको रेट एनालिसिस करके टेंडर प्रिपेयर करना, कॉम्पिटिटिव रेट्स देना, और उसके साथ ही टेंडर कोट करना, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या क्लॉजेस है वो भी देखना, वो भी क्वांटिटी सर्वेयर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्वांटिटी सर्वे एक प्रोफेशनल वर्किंग ब्रांच है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, जो भी कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों से कंसर्न करता है, और दोनों में उसका मेन रोल है। और क्वांटिटी सर्वेयर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट प्लानिंग है, उसके बाद है कमर्शियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट जब भी रन रहता है शुरू से अंत तक उसका पूरा कमर्शियल मैनेजमेंट देखना, ये क्वांटिटी सर्वेयर का मेन रोल है। स्टार्टिंग से लेकर प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने तक उसका पूरा रोल रहता है। इसके बाद है वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग में वो कितना कॉस्ट उसको लगने वाला है, तो उस कौन कौन सा अल्टरनेटिव मटेरियल यूज़ करके विदाउट डिस्टर्बिंग क्वालिटी, क्या क्या आप अल्टरनेट सोच के उसको आप कॉस्ट मिनिमाइज करके जितना अपना टारगेट अचीव करना है या फिर प्रॉफिट अचीव करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट मतलब जो भी मटेरियल परचेस करना है, जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल्स रहता है, जैसे कई कई टेंडर्स में लिखा रहता है स्टैंडर्ड मटेरियल्स, ये आप मटेरियल का यूज़ करो, ये कंपनी का यूज़ करो, तो उसमें सब दिया होता है, उसके हिसाब से उसमें जितना भी स्टैंडर्ड मटेरियल लेना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन वगैरह लेके उसमें लोएस्ट जो भी उससे भी डिस्काउंट लेके उसको ऊपर प्रोक्योरमेंट में परचेस डिपार्टमेंट को हेल्प करना है। उसके साथ ही टेंडरिंग करते समय टेंडरिंग वाले पर्सन को भी असेस करना है कि ताकि हम कॉम्पिटिटिव टेंडर कोट कर सकें। उसके बाद है कमर्शियल मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। क्वांटिटी सर्वेयर को भी कॉस्ट इंजीनियर भी बोला जाता है। अभी हम देखेंगे क्वांटिटी सर्वेयर्स का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले क्वांटिटी सर्वेयर या फिर बिलिंग इंजीनियर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टाइमली कंप्लीशन ऑफ क्लाइंट बिल, क्लाइंट का जो भी बिल है वो टाइमली कंप्लीट करना, और उसके साथ ही उसका रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइंग्स है, वो उसका लेवल्स वगैरह है वो सब साथ में सबमिट करना, ड्राइंग के हिसाब से जो भी मेजरमेंट है उसका बैकअप सबमिट करना, ये इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, मतलब मटेरियल हम कहाँ से परचेस करेंगे,
उसके साथ कहाँ कहाँ से हम लोगों को मिनिमम कॉस्ट में मटेरियल आएगा उसका सोर्स फाइंड आउट करना है, एग्जीक्यूशन के लिए वो हेल्प होता है। और इसके साथ ही इंटरेक्शन क्लाइंट और कंसल्टेंट के साथ में इंटरेक्शन करना है, कोई भी चीज़ अप्रूवल के लिए, कोई चीज़ का मटेरियल का अप्रूवल के लिए, इसके साथ ही किसी भी चीज़ का रेट फाइनल करना है, कोई एक्स्ट्रा आइटम है तो उसका रेट फाइनल करना है, उसके लिए इंटरेक्शन करना है। इसके साथ बाद में मटेरियल, मैन पावर और मशीनरी, ये सब का यूटिलाइजेशन कैसे करना है प्रॉपरली साइट मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट करके उसको अरेंज करना है। उसके बाद में सब कॉन्ट्रैक्टर और सप्लाई को भी, सप्लायर्स के भी सब भी कोऑर्डिनेशन करके उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना है और काम करवा के लेना है, ताकि अपना जो भी एक्सपेंसेस है वो अपने लिमिट में रहे, एक्सेस ना हो। इसके बाद में मटेरियल रिकंसलेशन बनाना, जैसे कितना मटेरियल परचेस हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, कितना बैलेंस, कितना वेस्टेज हुआ, ये सब का टाइम टू टाइम एक स्टेटमेंट बनाना। बाद में सब कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स का रिव्यू करना, मतलब कितना वर्क हुआ, कितना पेड हुआ है, कितना उसका बिल आया है, कितना उसने एक्चुअल काम किया है, कितना सर्टिफाई हुआ, उसका पूरा रिव्यू करना। उसके बाद में बिलिंग साइट का जो भी बिलिंग रहेगा, मंथली हो, फोर्टनेट हो, जो भी हो, बिलिंग प्रिपेयर करने का, उसके साथ में क्लाइंट को सबमिट करके उसको टाइम में चेकिंग करके, क्लाइंट को कन्विंस करके जितना चेकिंग करके बिल पास करवाना, वो सब क्वांटिटी सर्वर का एक इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद में और दूसरा चीज़ है सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल चेक करना, सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल सर्टिफाई करना, और बाद में क्लाइंट का बिल और सब कॉन्ट्रैक्टर बिल, ये दोनों का भी चेक करके उसका रिकंसलेशन करना। और साइड की जो भी मैनेजमेंट है उसको मॉनिटर करना, जो भी अपना टारगेट या फिर शेड्यूल्ड प्रोग्राम है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका एक्सपेंसेस हमने जो कंसिडर किया है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर चेक रखना या फिर मॉनिटर करना। बाद में प्लान वर्सेस एक्चुअल, जो भी अमाउंट अपना प्लान और एक्चुअल जो भी अपना अमाउंट रहता है, जो भी अपना क्वान्टिटीज प्रोग्राम रहता है, उसका एक एक्स एस करो बनाना, जिससे हम लोगों को पता चले कि हम लोगों का प्रोग्रेस प्लान वर्सेस एक्चुअल, इसका एक एस करो बनाना, जैसे कि हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम किया है, प्लान किया है, वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, कितना हमने प्लान किया है, कितना हमने अचीव कर दिया, उसका एक्चुअल कितना अपना प्रोग्रेस है, उसके हिसाब से एस स्कोर बनाना। अगर कहीं हम लोग पीछे पड़ रहे हैं, कहीं शॉर्टफॉल हो रहा है, तो उसके रिलेटेड साइट मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन करके वहाँ इम्प्रूव करने के लिए बोलना, ये भी क्वांटिटी सर्वर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाद में कुछ क्लेम्स वगैरह है, कुछ एक्स्ट्रा काम हमने अगर किया है, एक्स्ट्रा आइटम जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा आइटम है, तो उसका रेट क्लाइंट से फाइनलाइज करना, और उसका क्लेम्स वगैरह जो है, अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया है, कुछ एक्स्ट्रा ये किया, तो उसका क्लेम्स तैयार करना, ये भी क्वांटिटी सर्वर का एक इम्पॉर्टेंट काम है। अभी क्वांटिटी सर्वर का कुछ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, जैसे इंटरनल करस्पॉन्डेंस, एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस। पहले हम देखेंगे इंटरनल करस्पॉन्डेंस। अभी ये इंटरनल करस्पॉन्डेंस किस किस है, फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट से। फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट से हम लोगों को क्या शेयर करना रहता है, स्टेटमेंट ऑफ सबमिटेड बिल वर्सेस सर्टिफाइड बिल, हम लोगों ने कितना बिल बनाया, उसके साथ हम लोगों का बिल कितना सर्टिफाई हुआ, उसका एक स्टेटमेंट। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफाइड बिल वर्सेस स्टेटमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स, हम लोगों का कितना बिल सर्टिफाई हुआ, उसके बाद उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टर का कितना बिल सर्टिफाई किया है, उसका भी एक स्टेटमेंट बनाना। और कैश फ्लो बनाने का, मंथ वाइज कैश फ्लो, कितना हम लोगों ने एक्सपेंस किया, कितना प्रोग्रेस अचीव हुआ, टोटल डिटेल में कैश फ्लो बनाने का। इसके साथ ही बाद में बैलेंस कॉस्ट टू कंप्लीट, उसका भी एक लिस्ट बनाना,
और टोटल प्रोग्राम के हिसाब से, टोटल क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों ने कितना काम किया और टोटल हम लोगों का कितना बैलेंस है, बैलेंस कॉस्ट टू कंप्लीट, तो उसका डिटेल बनाना। इसके बाद में रिव्यू ऑफ टर्नओवर बुक, हम लोगों ने कितना टर्नओवर बुक किया है उसका रिव्यू करना, उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कि नहीं कर रहे हैं वो भी चेक करना। बाद में साइड में जो इंचार्ज रहता है, एग्जीक्यूशन टीम रहती है, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो प्रोजेक्ट इंचार्ज है जो भी, उनके साथ में भी कुछ हम लोगों को करस्पॉन्डेंस करना, जैसे क्वांटिटी एग्जीक्यूशन प्लान, हम लोगों को मंथ वाइज जो भी क्वांटिटी एग्जीक्यूशन करना है उसका एक प्लान बनाना है, वो उनके साथ करस्पॉन्डेंस भी करना। उसके बाद डे टू डू मेजरमेंट, डे टू डे मेजरमेंट्स, जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया या फिर डेली जितना एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसका डे टू डे मेजरमेंट्स। फिर रिकंसलेशन ऑफ मटेरियल, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो साइट से हम लोगों को क्वांटिटी सर्वे या बिलिंग इंजीनियर्स को करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, स्टेट डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ता है। उसके बाद में स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल्स का स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, कुछ चेंजेस है क्या, अगर वो मटेरियल अवेलेबल है तो उसका दूसरा सब्सिडरी मटेरियल है कि नहीं, ये सब हम लोगों को देखना है। इसके बाद में डिटेल रेट एनालिसिस, मतलब किसी भी एक्टिविटी का हम लोगों को डिटेल रेट एनालिसिस करना है साइट वाले टीम के साथ मिलकर, कभी कभी हम लोगों को दोनों जॉइंटली भी चेक करना है वो प्रॉपर रेट एनालिसिस हुआ है कि नहीं, कितना कैसे रेट्स क्या आते हैं, करंट लेबर रेट्स क्या है, उसके हिसाब से डिटेल रेट एनालिसिस करना। फिर डिस्प्यूट रिगार्डिंग मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में कुछ अगर डिस्प्यूट है क्या है क्लाइंट से या कंसल्टेंट से, उसको भी साइट के मैनेजमेंट से डिस्कस करना, उसके साथ शेयर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेपर वगैरह बनाना, उसके लिए करस्पॉन्डेंस लेटर्स वगैरह जो भी है वो करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इंटरफेस मैनेजमेंट, इंटरफेस मैनेजमेंट मतलब अलग अलग टाइप की बहुत सारी एजेंसीज रहे, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वो अलग अलग एजेंसी उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपरली उनका पूरा वर्क सेटअप करना। अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस, एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस में सबसे पहले क्लाइंट है, क्लाइंट ने के क्लाइंट को जो भी मंथली या फोर्टनेट जो भी बिल है वो बिल बना के प्रिपेयर कर क्लाइंट को सबमिट करना और क्लाइंट से वो सर्टिफाई करके लेना और पेमेंट के लिए फॉलोअप करना, ये एक इम्पोर्टेंट करस्पॉन्डेंस का रोल है। उसके बाद में सर्टिफिकेशन ऑफ रिकंसलेशन, रिकंसल मटेरियल जो भी रिकंसलेशन है उसको भी सर्टिफाई करके लेना, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में मटेरियल्स फ्री रहता है, जैसे सीमेंट एंड स्टील अगर फ्री है तो वो मंथ में कितना सीमेंट और स्टील परचेस हुआ या फिर आया साइट पे आया, कितना कंज्यूम हुआ, कितना बैलेंस है, उसका रिकंसलेशन रिपोर्ट बना करके वो बिल में कितना लिया है क्या लिया है वो डिटेल बना के वो क्लाइंट से सर्टिफाई करके लेना, ये भी एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस है। फिर सर्टिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, कुछ एक्स्ट्रा आइटम हमने किया है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है तो उसके लिए कुछ क्लेम्स प्रिपेयर किए हुए हैं तो वो क्लेम क्लाइंट से सर्टिफाई करके लेना, उसके अप्रूव करके लेना। इसके बाद में अप्रूवल ऑफ नॉन ब्यूरोक्रेटिक आइटम्स, कुछ ब्यूरोक्रेटिक आइटम्स नहीं है लेकिन हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है तो वो आइटम्स को अप्रूव करके लेना, उसका रेट एनालिसिस बना के उसको क्लाइंट को सबमिट करके उससे अप्रूव करके लेना। और क्वांटिटी में अगर वेरिएशन है तो वेरिएशन को भी उसका स्टेटमेंट बना करके उसको अप्रूव करके लेना, क्लाइंट से या कंसल्टेंट से अप्रूव करके लेना। और एस्केलेशन बिल, जो भी मंथली हमारा बिल बनता है उसके बाद में एस्केलेशन बिल है क्लॉज के हिसाब से, टेंडर क्लॉज के हिसाब से वो एस्केलेशन बिल बना करके वो क्लाइंट से अप्रूव करके लेना, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है पूरा करस्पॉन्डेंस है वो करना। अभी कंसल्टेंसी हम लोग क्या करस्पॉन्डेंस करते हैं, कंसल्टेंसी मेनली सर्टिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट, कहीं कहीं जगह बिल चेकिंग का पूरा काम कंसल्टेंट ही करते हैं,
क्लाइंट ने उन कंसल्टेंट को भी रखा रहता है, पूरा अथॉरिटी दी रहती है कि टोटल बिल वगैरह चेक करके आप बिल सर्टिफाई करो, तो मेजरमेंट्स का सर्टिफिकेशन करके कंसल्टेंट से पूरा बिल सर्टिफाई करके लेना। उसके बाद में कुछ क्लेम्स वगैरह है तो क्लेम्स को भी सर्टिफिकेशन लेना या फिर सर्टिफाई करके लेना। फिर एक्स्ट्रा आइटम्स या फिर जो भी नॉन वेव आइटम है उनको अप्रूव कंसल्टेंट से अप्रूव करके लेना। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो उसका करस्पॉन्डेंस करना। और क्वांटिटी में अगर वेरिएशन है तो उसका स्टेटमेंट बना के उसका जो भी लेटर वगैरह है ड्राफ्ट बना करके कंसल्टेंट से उसको अप्रूव करके लेना। और सर्टिफिकेशन ऑफ रिकंसलेशन ऑफ मटेरियल, जो भी रिकंसलेशन स्टेटमेंट हमने बनाया है उसको कंसल्टेंट से हम लोगों को अप्रूव करके लेना पड़ता है। तो उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंटेशन है करस्पॉन्डेंस हम लोग को करना पड़ता है। अभी हम देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर को कभी कभी बोलते हैं रेवेन्यू सेंटर, या फिर क्वांटिटी सर्वेयर बिलिंग इंजीनियर को हम लोग कभी कभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मजाक से रेवेन्यू मैन भी बोला जाता है। वो कैश फ्लो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे मंथली के कैश फ्लो वगैरह बनाना। बाद में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी ऑब्लिगेशन है वो पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन करना वो क्वांटिटी सर्वेयर या फिर बिलिंग इंजीनियर के हाथ में होता है। और एक्स्ट्रा अगर कुछ हम लोग काम करते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर एक्स्ट्रा आइटम्स वगैरह है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी वगैरह है, तो वो सब उसका वर्कआउट करना, उसको अप्रूव करके लेना, उसको सर्टिफाई करके लेना, ये भी एक रोल है। क्वांटिटी सर्वेयर और बिलिंग इंजीनियर को बीओक्यू में बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए, वो प्रॉपरली बीओक्यू उसको स्टडी करना चाहिए, कौन सा आइटम में कितना क्वांटिटीज है, कितना वर्कआउट होने वाला है, क्या है, वो पूरा डिटेल उसको नॉलेज होना चाहिए। और उसमें स्पेसिफिकेशन कौन कौन सा है वो भी डिटेल होना चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस क्या है, वो सब डिटेल उसको पता होना चाहिए, इसलिए उसने टेंडर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। और साथ में उसको जो जितने भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उसके साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, ताकि वो एग्जीक्यूशन के दौरान अच्छा से उसका प्रॉपर ये हो सके कि कितना हम लोगों के प्लान किया है, बराबर अचीव हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट वाइज बराबर हो रहा है कि नहीं, शेड्यूल वाइज बराबर हो रहा है कि नहीं, टाइम टू टाइम अपना काम हो रहा है कि नहीं, इसके लिए सबसे कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। और ओनर के साथ या फिर कॉन्ट्रैक्टर या फिर कंसल्टेंट उनके साथ भी अच्छा रिलेशन बना के रखना है, और प्रॉपरली जो भी डाउट्स है वो पूछना है। कुछ भी अगर आपको एग्जीक्यूशन रिलेटेड, बिल रिलेटेड कुछ भी है तो उनसे डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक तरह का इस तरह का रिलेशन अच्छा बनाना चाहिए। और लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप क्वांटिटी सर्वेयर या बिलिंग इंजीनियर बिल सबमिट करते हैं, बिल सबमिट करने के बाद में वो क्लाइंट को पूरा बिल देते समय उसका पूरा बैकअप देना है, बैकअप देने के बाद वो ड्राइंग्स लेवल्स जो भी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से देना है, और क्लाइंट को कन्विंस करके वो बिल पास करके लेना है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी क्वांटिटी सर्वेयर बिलिंग इंजीनियर की होती है। तो आपने देखा कि क्वांटिटी सर्वे का सिविल इंजीनियरिंग में कितना इम्पोर्टेंस है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।